एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ESE के कन्वेंशनल PYQ के संग अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग। कुछ इश्यू चल रहा था घर में, इस वजह से मैं वीडियोस को नहीं बना पा रही थी, लेकिन नाउ वी आर बैक विद द वीडियोस और अब आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो ESE के कन्वेंशनल के PYQ को हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ESE के एग्जाम में भी हेल्प करेगा, गेट के एग्जाम में भी हेल्प करेगा और जो CBT 2 का एग्जाम देने वाले हैं SSC JEE का, वहां पर भी आपको हेल्प करेगा। इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो ये हर जगह से हेल्पफुल है। इसकी वीडियोस के संग हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम ESE के PYQ को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स में जो सॉइल मैकेनिक्स पूछी जाती है उसी से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोरोपिट और फिल, इससे पक्का एक क्वेश्चन आता है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सॉइल इज टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम अ बोरोपिट विच हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.75 ग्राम पर सीसी। तो बोरोपिट को हम 1 मान लेते हैं, 1 कंडीशन मान लेंगे। तो फिल को हम क्या मान लेंगे, फिल को जो हमें 2 मान लेंगे, फिल मान लेंगे 2। तो जो भी हमारा बोरोपिट के कंडीशंस गिवन होगी, जो भी हमारा टर्म्स गिवन होगा वो हम 1-1 करके लिखेंगे, और जो फिल के लिए रिगार्डिंग हमें डेटा गिवन होगा उसमें 2 करके लिखेंगे। तो सॉइल जो है उसको एक्सकवेट किया गया है बोरोपिट से, जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है 1.75 ग्राम पर सीसी। तो ग्रामा 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.75 ग्राम पर सीसी यहाँ पर हमें दे रखा है। फिर वो बोल रहा है कि वाटर कंटेंट जो है इस कंडीशन में हमारा वाटर कंटेंट हमारा 12% है, लेकिन अब वो बोलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स जी की वैल्यू हमें दे रखी है, जो हमारी जी है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2.7। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो सॉइल जो है उसको कम्पैक्ट किया गया, तो द सॉइल इज कम्पैक्टेड सो दैट द वाटर कंटेंट इज 18%। तो अब जो सॉइल है उसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, और कॉम्पैक्ट करने के बाद जो उसका वाटर कंटेंट है वो हो गया है हमारा, जो वाटर कंटेंट है वो हो गया हमारा 18%, वाटर कंटेंट हो गया हमारा 18%। और जो हमारी बेसिकली अगर हम बात करें ड्राई डेंसिटी गिवन है, ड्राई डेंसिटी जो वो है हमारा, ड्राई डेंसिटी की बात करें तो 1.65 ग्राम पर सीसी हमें दे रखा है। और जो फिल का वॉल्यूम है वी फिल दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ फिल जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 1000 मीटर क्यूब। 1000 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम ऑफ फिल दे रखा है। अब एस्टिमेट करना है एक तो क्वांटिटी ऑफ सॉइल विच टू बी एक्सकवेटेड फ्रॉम द पिट। जो मेरा पिट है, जो बोरो पिट है, जो मेरा ये बोरो पिट है, यहाँ से जो मैंने फिल किया है, ये हो गया मेरा फिल और ये हो गया मेरा बोरो पिट। बोरो पिट में से हमने कितनी क्वांटिटी है जो सॉइल की हमने उसको एक्सकवेट किया है, हमको ये पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें वॉल्यूम पता करना है तो सॉरी हमें क्वांटिटी पता करना है तो हम पहले वॉल्यूम पता करेंगे। पहले वॉल्यूम पता करेंगे तो अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हमें कंडीशन याद रखनी है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो सॉलिड्स के जो वॉल्यूम है, जो सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है, चाहे वो बोरो पिट हो या फिर जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है वो हमारा यहाँ पर फिल हो, ये हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि सॉइल सॉलिड जो है वो उनका वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेगा। टोटल वॉल्यूम में चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सॉइल सॉलिड्स हैं जो सॉलिड्स का वॉल्यूम होता है वो सेम रहेगा। तो अब इस कंडीशन को यूज करके जरा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस कंडीशन को यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करें, पहली कंडीशन में क्या करेंगे हम, वी नो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है वो हमारा बोरोपिट है या फिर हमारा फिल है, उसके लिए सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। तो अब हम इस कंडीशन को सेम कर देते हैं, तो वी एस वन जो हमने बोरोपिट के लिए माना था, ये एस टू जो हमारा हमने माना था उसके लिए, फिल के लिए जो माना था। अब सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो बेसिकली अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो याद रखने वाली बात यह है कि BS1 इज इक्वल टू BS2 करेंगे तो हमें यहाँ पर बेसिकली ये पता है BS1 अपॉन BS1 इज इक्वल टू BS2। तो हमें ये पता है कि जो हमारा V होता है, जो टोटल वॉल्यूम है, अगर उसको मैं 1+E से डिवाइड कर दूँ तो ये BS का फॉर्मूला होता है। बेसिकली BS का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स है वो टोटल वॉल्यूम अपॉन 1+वॉइड रेशियो। फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो V1 अपॉन 1+E1 इज इक्वल टू V2 अपॉन 1+E2। यहाँ से हम ये फॉर्मूला यूज करके V1 ही तो फाइंड करना है, कि वॉल्यूम जो हमको एक्सकवेशन करना है वो V1 हमें फाइंड करना है। V1 मुझे फाइंड करना है, इसके लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे E1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए और V2 पता होना चाहिए। तो E1 और E2 हम फाइंड करेंगे, V2 हमें पता है, हमें क्वेश्चन में V2 की वैल्यू दे रखी है जो कि है 1000 मीटर क्यूब। तो अब अगर हम बात करें तो E1 को कैसे अप्रोच करेंगे, थोड़ा इसको समझा जाए, E1 को कैसे अप्रोच करेंगे, उसके लिए हमें डेंसिटी गिवन है।
तो ईवन के लिए अप्रोच करेंगे उसी तरीके से ई2 को भी अप्रोच करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। ड्राई डेंसिटी क्या होती है, जो हमारा वॉल्यूम होता है, सॉरी जो बल्क डेंसिटी है, बल्क जो हमारी डेंसिटी है उसको अगर हम जो हमारा वाटर कंटेंट है उसको डिवाइड कर देंगे, 1+ वाटर कंटेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और हमें एक और बात पता है, यहाँ से ये इक्वल करेंगे तो ये हमारा होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+ ई। यहाँ से मैं ई की वैल्यू को, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके ई की वैल्यू यहाँ से आराम से निकाल सकती हूँ। इसी तरीके से ई2 को भी अप्रोच करेंगे। तो अब शुरू करते हैं कहानी को। अब यहाँ पर अगर हम शुरू करना चाहें, साइड में यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, अगर यहीं पर शुरू करते हैं, यहाँ पर अब साइड में वैल्यू लिखते हैं। तो ये सबसे पहली कंडीशन में हमें दे रखा है 1.75। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.75 और यहाँ नीचे आ जाएगा 1.1। हमारा जो वाटर कंटेंट है वो कितना है, 12%। तो ये हो जाएगा हमारा वाटर कंटेंट जाएगा 1+0.12। ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा जी की वैल्यू हमें 2.7 दे रखी थी, और जो हमारा वाटर हो जाएगा उसकी डेंसिटी ग्राम पर सीसी में हमारी 1 हो जाती है, और 1+E1 कर देंगे यहाँ पर। तो E1 जो है, 1+E1 को आप यहाँ साइड में लेके आइएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2.7 × 1.12 / 1.75। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो E1 की वैल्यू कैल्सी के हेल्प से आपको सॉल्व करना है, और E1 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.728। E1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी हमारी 0.728। अब हम अगर डायरेक्टली दूसरी कंडीशन पे चलें, जो कि हमारा दे रखा था, हमें डायरेक्टली गामा D2 दे रखा है, जो हमारा बेसिकली डेंसिटी है, जो ड्राई डेंसिटी सेकंड कंडीशन में फिल की वो दे रखी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो अगर हम इसको बात करें तो यहाँ से E2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमें दे रखा था 1.65 और ये हो जाएगा हमारा 2.7 और यहाँ पर 1, क्योंकि ग्राम पर सीसी में गामा W की वैल्यू, रो W की वैल्यू हो जाती है हमारी 1, और जो हमारा E2 है उसके लिए हम लिख देंगे 1+E2। अब E2 के लिए हम 1+E2 को यहाँ भेज देंगे, 2.7 को हम 1.65 से डिवाइड कर देंगे, और जब हम 1.65 से डिवाइड कर देंगे और 1 से माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.66। तो ये हमारी E2 की वैल्यू आ गई। तो E1 हमारा आ गया है 0.728, E2 की वैल्यू आ गई हमारी 0.636। अब हम जस्ट इस इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पर हमें पता था कि V, यहाँ पर हमें ये बात पता थी, 1 upon 1+E1 = E2 upon 1+E2। अब बस यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, V1 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो V2 हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 1+E1। 1+ अगर हम 1+E1 की बात करें तो 1+E1 upon 1+E2, तो डायरेक्टली मुझे 1+E1 की वैल्यू ही रखनी चाहिए थी, और कोई बात नहीं, हम इसको पुट कर देंगे 1000, तो जाएगा मेरा 1000। अब यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.728 और ये हो जाएगा मेरा 1.66। तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप कैल्सियम में इसको डिवाइड करेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 1056.2 m³। ये आपका जो है ये वॉल्यूम आ गया आपका। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फर्स्ट पार्ट तो हमने निकाल लिया, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है ये देखते हैं। पार्ट बोल रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, अब कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें ऐड करना है, हमें इसके स्टेप्स देखने पड़ेंगे, तो उसके स्टेप्स को देखते हैं करेंगे सॉल्व। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड करना, तो अमाउंट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, अगर हमें वाटर कंटेंट पता है, यहाँ से मैं वेट ऑफ वाटर जो निकालूंगी यहाँ पर, यहाँ से मुझे अमाउंट ऑफ वाटर पता चल जाएगा। ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप स्टेप समझिए पहले, वेट ऑफ वाटर या फिर मुझे अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है जिसमें वाटर कंटेंट का मैं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स से मल्टीप्लाई करूंगी। अब मुझे वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पता होना चाहिए, चलो वाटर कंटेंट तो पता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पता होना चाहिए। अगर मुझे वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पता करना है तो मैं क्या करूँगी, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स का पता चलेगा हमें, अगर डेंसिटी पता है मुझे सॉलिड्स की तो मेरे को वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पता चल जाएगा, क्योंकि मैं वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ से मुझे ये क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पता चल जाएगा, जिसमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब यहाँ पे बोरोपिट की बात कर रहे हैं, तो बोरोपिट के लिए हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा Vs की वैल्यू। अभी हम V1 भी निकाल चुके हैं, 1/E कर देंगे तो यहाँ से Vs निकल के आ जाएगा हमारा, या V2 से किसी से भी निकाल सकते हो, V2 किसी से निकाल सकते हो, Vs हमारा सेम होगा, तो V2 से निकालेंगे क्योंकि 1000 हमें करके गिवन निकाल देंगे। यहाँ से हमें समझ में आया बेसिकली इस तरीके से स्टेप से चलना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, Vs निकालते हैं। V2 हमारा गिवन था 1000 और जिसमें हमने 1+0.3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा Vs की वैल्यू आ जाएगी 611.25 m³। यहाँ से मेरा Vs की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं WS निकाल सकती हूँ। WS क्या हो जाएगा मेरा, WS हो जाएगा मेरा यहाँ पर, मेरे को Vs पता है 611.25। अब मुझे ρS नहीं पता, ρS के लिए मैं क्या करूँगी, तो ρS अगर मुझे निकालना है या फिर डेंसिटी मेरे को निकालनी है, तो बेसिकली क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, γW से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें आ जाएगा। तो यहाँ से जी का मल्टीप्लाई कर देंगे
और फिर जी हमारा 2.7 था, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9.81। 9.81 मैंने यहाँ पर डन गामा लिखना चाहिए, गामा होगा मेरा, गामा लिखना चाहिए यहाँ पर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू एस की जो वैल्यू आप कैलसी में पुट करके सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 161.90.18 किलो न्यूटन। यहाँ से हमने डब्ल्यू एस की वैल्यू निकाली, डब्ल्यू एस हमारा आ गया 161.90.18 किलो न्यूटन, तो यहाँ से डब्ल्यू एस आ गया। अब बस यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर देना है और आपका यहाँ से वाटर निकल के आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो बेसिकली हमारा वाटर कितना आएगा, यहाँ पर वेट ऑफ वाटर निकालेंगे जिसमें हमने W1 मल्टीप्लाई बाय WS कर देंगे। तो W1 अगर मुझे पिट के लिए निकालना है तो मुझे पिट का ही वाटर कंटेंट लेना पड़ेगा जो कि हमारा क्या था 12% था, मतलब 0.12 मल्टीप्लाई बाय हमारा WS निकल के आया 16190। तो 16190.18 जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना वेट ऑफ वाटर निकल के आया है, जो हमारा पिट का वेट ऑफ वाटर है वो कैलसी से आप सॉल्व करके बताइएगा कि कितना निकल के आया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली एमसीक्यू में गेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन था। और जो एंड में भी बोल रहा है कि डिटरमाइन द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन बोरोपेटेन फिल, तो वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं E1 और E2 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमारे को जरूरत थी उसकी, तो वो तो हमारे प्रोसेस में, सॉल्यूशन के प्रोसेस में निकल के आ गया। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप अपने नोट्स में जरूर इसको इंक्लूड करिएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है, एन एक्वीफर ऑफ 20 मीटर एवरेज थिकनेस इज ओवरलेन बाय एन इंपरवियल लेयर ऑफ 30 मीटर थिकनेस। तो सबसे पहली बात, जो हमारा एक्वीफर है उसकी जो थिकनेस देख रखी है, थिकनेस दे रखी है वो 20 मीटर, मतलब बी की वैल्यू हमें 20 मीटर दे रखी है और वो इंपरवियल लेयर है उसके ऊपर जो हमारी 30 मीटर की, जो मतलब हम उसके पास हमारे इंपरवियल लेयर देखने को मिलेगी 30 मीटर थिकनेस है। लेकिन एक टेस्ट वेल है जिसकी डायमीटर हमें गिवन है 0.5 मीटर और दो ऑब्जर्वेशन वेल है जिसको एक डिस्टेंस है हमारी, जो एक डिस्टेंस है वो हमारी 10 मीटर डिस्टेंस पे और दूसरी हमारी 60 मीटर डिस्टेंस पे है जो हमारी टेस्ट वेल है उससे, ठीक है। आफ्टर पंपिंग रेट, तो हमारा पंपिंग रेट दे रखा है, क्यू की वैल्यू दे रखी है मुझे, क्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है। तो 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड हमें गिवन है, चलो ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द फॉलोइंग ड्रॉडाउन आर स्टेबलाइज्ड इन दीज वेल्स, तो हमें जो ड्रॉडाउन है वो भी देखने को मिलेगा। तो S1 की वैल्यू हमें दे रखी है 4 मीटर, S1 की वैल्यू है 4 मीटर और S2 की वैल्यू है हमारी 3 मीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो एक तो अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, अरेंजमेंट देखना है हमें डायग्राम में, जो डायग्राम है हमारा बेसिक मैंने यहाँ पर पिक्चर नहीं लगाई, तो डायग्राम हमें मिला है। और जो है हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो K की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी फाइंड करना है, और जो हमारा टेस्ट वेल है उसमें कितना ड्रॉडाउन हमें देखने को मिलेगा ये फाइंड करना है। तो टेस्ट वेल में कितना ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा एक तो ये फाइंड करना है और हमें बताना है जो हमारा परमिबिलिटी उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा एक टेस्ट वेल था, बना देती हूँ, ये हमारी टेस्ट वेल है और यहाँ से हमारा जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मेरी पतली पहला हमारा देखने को मिलेगा एक ऑब्जर्वेशन वेल और फिर एक दूसरा बहुत डिस्टेंस पे दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ हमें इस तरीके से वाटर टेबल देखने को मिलेगा, उसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपको देखने को मिलेगा वाटर टेबल। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा वाटर टेबल रहेगा जो कि कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो एक पॉइंट को टच करेगा यहाँ पर वाटर टेबल और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है मुझे SW फाइंड करना है, एक तो SW फाइंड करना है और जो मुझे ड्रॉडाउन S1 में दे रखा है, S1 में मेरे को 4 मीटर ड्रॉडाउन दे रखा है और जो इसकी लेंथ है बीच सेंटर से हमारी, यहाँ से सेंटर से जो हमारी लेंथ दे रखी है, जो डिस्टेंस दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है हमें, R1 की वैल्यू दे रखी है 10 और अगर मैं यहाँ से बात करूँ R2 की वैल्यू दे रखी है हमें 60 मीटर, ये R2 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से दे रखा है S1 S2 हमें दे रखा है, ड्रॉडाउन की वैल्यू हमें 4 मीटर और हमारे 3 मीटर दे रखी है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें एक फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए, अगर हम फॉर्मूले की बात करें यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ दिखाना भूल गए, वो जो बी की वैल्यू जो 20 मीटर हमारा जो हमें दे रखा है थिकनेस, वो कहाँ पे आपको देख, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको थिकनेस देखने को मिलेगी 20 मीटर की, हम बी से शो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली, यहाँ पर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि कहता है Q इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू हमारा होता है 2 पाई के बी एस वन माइनस एस टू जो मेरा ड्रॉडाउन है वो अपॉन में हमारा होता है 2.303 लॉग 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा आर टू अपॉन आर वन। ये फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए जहां पर मुझे क्यू की वैल्यू पता है के यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से वैल्यू को पुट करके। तो क्यू की वैल्यू मुझे दे रखी थी 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ पर हमारा 2 पाई हो जाएगा, के की वैल्यू मुझे फाइंड ही करनी है, बी की वैल्यू मुझे दे रखी है 20 मीटर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बी की वैल्यू मुझे जो दे रखी है वो हो जाएगी 20 मीटर। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो हम ऐसा करते हैं के बी को हम 20 मीटर लिखेंगे, 20 मीटर लिख लेते हैं। और यहाँ पर एस वन हमारा हो जाएगा, एस वन हमारा कितना दे रखा था हमें 4 दे रखा था और एस टू हमारा 3 दे रखा था। ये सब वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, 2.303 हमारा यहाँ पर आ जाएगा लॉग 10 और यहाँ पर हमारी वैल्यू थी एक तो 50 और एक था शायद हमारा 10। हाँ तो 60/10 इस तरीके से हम वैल्यू को पुट करेंगे। कैलसी में इसको बिल्कुल आप सॉल्व करोगे और यहाँ से के की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो वैल्यू जो यहाँ से हमारी आएगी वो हमारी अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगी 1.425 × 10⁻³। और यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मुझे परमिबिलिटी की जो वैल्यू निकालने को मिला है, मेनली अगर मुझे ये फॉर्मूला याद होता तो ये क्वेश्चन, तो आप देखो अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको किसी भी एग्जाम्स में देख सकते हैं, अगर हमें कैलसी प्रोवाइड है तो ये एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि ईजिली सॉल्व हो सकता है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं, अब अगर मुझे यहीं पर यही फॉर्मूला यूज करके अब मुझे ड्रॉडाउन निकालना है टेस्ट वेल का, तो अब मैं यही फॉर्मूला फिर से यूज करूंगी, क्यू इज इक्वल टू 2 पाई और फिर मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ के बी और यहाँ पर आ जाएगा मेरा एस डब्ल्यू माइनस एस वन, किसी एक को ले लो और यहाँ से आ जाएगा हमारा के बी हमारा हो गया और यहाँ पर हम पुट करेंगे 2.303 लॉग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस आएगी आर वन की जो डिस्टेंस है वो, और आर डब्ल्यू जो मेरा 0.5 तो हमारी डायमीटर थी, रेडियस हो जाएगी मेरी 0.5 हमारी डायमीटर थी तो रेडियस हो जाएगी 0.25। ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम इसको पुट करेंगे 0.1 फिर से लिखेंगे, 2 का 2 रखेंगे, पाई का पाई, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि हो जाएगा 1.425 × 10⁻³। b की वैल्यू मेरी 20 हो जाएगी, एस डब्ल्यू मुझे फाइंड ही करना है, एस वन मेरा हो जाएगा 4 और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2.303 लॉग में और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लीज याद रखिएगा कि वो रेडियस जल्दीबाजी में 0.5 नहीं पुट करना, वो डायमीटर था हमारा, डायमीटर 0.5 होगा तो रेडियस हो जाएगी मेरी 0.25, डिवाइड कर देंगे बाय 2 से। तो यहाँ पर हमारा आर वन की वैल्यू हमें 10 दे रखी है 0.25, इसमें 2 जीरो में अगर ऊपर भेजूँ, 2 जीरो ऊपर भेजूंगी तो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद ये हमारा आ जाएगा 40। तो ये आ जाएगा 40, बेसिकली 40 आएगा लॉग के अंदर, 40 आएगा लॉग के अंदर, तो 40 आ जाएगा लॉग के अंदर। तो अब इसको बस सॉल्व कर लेना है और मस्त इसकी वैल्यू निकाल लेना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे एस डब्ल्यू की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, एस डब्ल्यू की वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी 6.06 मीटर मुझे एस डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से देखने को मिलेगी। तो आपने यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी में निकाल लिया टेस्ट वेल का जो कि देखने को मिला 1.425 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और जो हमारा टेस्ट वेल है उसका ड्रॉडाउन भी निकाल लिया जिसमें हमें 6.06 मीटर हमें उसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और उमदा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ काउंटर फोर्ट वॉल ऑफ 10 मीटर हाइट रिटेन नॉन कोहेसिव पैक सॉइल, नॉन कोहेसिव पैक सॉइल है मतलब कि हमारा कोहेजन नहीं है, पर आप कोहेजिवनेस नहीं देखने को मिलता। वेल आगे बोल रहा है कि द वॉइड रेशियो एंड द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द बैकफिल रिस्पेक्टिवली आर, तो हमारा पहले स्टेट में जब लूज स्टेट है, इन द लूज स्टेट, तो वो बोल रहा है कि जब लूज स्टेट है आपकी उस कंडीशन में आपको जो आपका बैकफिल है और जो आपका इंटरनल फ्रिक्शन है मतलब वॉइड रेशियो जो है ई वन की वैल्यू आपको दे रखी है 0.70 और जो हमारा इंटरनल फ्रिक्शन है मतलब कि फाई वन की वैल्यू मुझे दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है वहीं पर अगर हम बात करते हैं डेंस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, डेंस कंडीशन में हमारा जो ई टू की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 0.4 और जो हमारा फाई टू की वैल्यू है वो हमें दे रखा है 40 डिग्री। अब हमें कंपेयर करना है एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इन बोथ स्टेट, तो हमें पहले एक्टिव प्रेशर निकालना पड़ेगा लूज कंडीशन के लिए डेंस कंडीशन के लिए, फिर पैसिव निकालना पड़ेगा लूज कंडीशन के लिए डेंस कंडीशन के लिए और उन्हें कंपेयर करके हमें बताना है। और जी की वैल्यू मुझे गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है 0.7। ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है क्योंकि बोल दिया कोहेजन नहीं मतलब कोहेजन लेस है सॉइल हमारी। ठीक है अब हमें ये बात पता है जो हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है वो हमारा ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर नॉर्मल हमारी जो भी वॉल है, अगर मैं उसकी बात करूँ नॉर्मल जो वॉल है तो अगर हमारा पी फोर्स निकालना है तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, ये हो जाता है मेरा के ए गामा एच स्क्वायर।
यहाँ पर जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी और यहाँ पर एच की वैल्यू एच हो जाएगी, जेड की वैल्यू एच हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको पुट करके निकालेंगे। तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले के ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, के ए हो जाएगा हमारा वन, वन माइनस साइन फाई, वन माइनस साइन फाई अपॉन वन प्लस साइन फाई, ये हमें पता है। तो अगर हम इसको पुट करें वन प्लस साइन फाई, तो वैसे भी हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम फाई की वैल्यू 30 लेते हैं तो मेरी जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है हमारी 1/3 निकल के आती है ये ए वन की। वहीं पे के ए टू की वैल्यू अगर मैं चाहूँ निकालना तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 40 डिग्री। तो कैलसी में सॉल्व करके आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी मेरी 0.217 मेरी यहाँ से वैल्यू निकल के आई। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने की, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे बेसिकली। अगर हम बात करें यहाँ पर तो पी ए मेरा क्या था कि हाफ के ए वन, मैं अभी पहली कंडीशन के लिए निकाल रही हूँ, तो के ए वन गामा स्क्वायर गामा वन एच स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाफ हो जाएगा के ए वन की वैल्यू हमने निकालती 1/3 जिसको 0.33 निकल सकते हैं। अब अगर हम गामा की बात करते हैं, यहाँ पे गामा कौन सा निकालेंगे, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई वन, यही वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो 2.7 × 9.81 और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ई वन मेरा हो जाएगा 0.7, हमें कितना ये हो जाएगा 1.7 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे गामा की वैल्यू, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, तो के हाफ हो गया हमारा 1.2 1 अपॉन 2, के ए वन हमारा 1.3 और यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.7 × 9.81 और ये हो जाएगा मेरा 1.7। और एच की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, मुझे एच की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर, यहाँ हो जाएगा 10 × 10 मतलब 100 हो जाएगा। और जब इसकी वैल्यू को आप कैलसी में पुट करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू हमारी निकल के आएगी, राउंड ऑफ वैल्यू अगर बताऊँ तो 259.42 किलो न्यूटन आपको देखने को मिलेगा पर मीटर यूनिट लेंथ, पर मीटर यूनिट लेंथ मेरी कैपिटल पी ए की वैल्यू। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अगर हम बात करते हैं कि हमारा हमारा जो लूज कंडीशन थी वहाँ पे देखने को मिला। अब हम डेंस कंडीशन की बात करेंगे, पी ए की वैल्यू अगर मैं डेंस कंडीशन में बात करूँ, डेंस कंडीशन में बात करूँ तो सेम फॉर्मूला लगेगा, बस के ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ के ए हो जाएगा मेरा 0.217 और यहाँ पे मेरा जो गामा डब्ल्यू है ये कितना हो जाएगा, के गामा डब्ल्यू की बात करूँ तो 0.7 × 9.81 और नीचे आ जाएगा मेरा 1.40 मतलब 1.4 क्योंकि 0.4 मेरा वॉइड रेशियो गिवन था, तो 1.40 हो जाएगा। यहाँ पर इसको वैल्यू को अगर पुट कर दो तो 2.7 × 9.81 अपॉन में 1.4 × में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइट हमारी सेम रहेगी। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल जाएगी 0.5 205.27 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमारा वैल्यू निकल के आएगी पर मीटर हमारे वॉल की जो है। तो यहाँ से हमारा पी वन की वैल्यू निकल के आ गई, जो हमारा पी ए हमारा एक्टिव कंडीशन में था और पी ए हमारा डेंस कंडीशन में था, इन दोनों की वैल्यू निकल के आ गई है। जब हम इसको यहाँ पर अगर रेशियो में लिखना चाहें, रेशियो में लिखना चाहें तो ये जगह 259 अपॉन 9.42 अपॉन हमारा था 205.27। तो जब सॉल्व करोगे आप डेसिमल तो सॉरी इसको जब सॉल्व करोगे आप तो जब डिवाइड करोगे तो यह जगह 1.264 यहाँ से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम पैसिव की बात करते हैं, पैसिव की अगर हम बात करें, पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या होगा, मेरा पहले तो के वन और के टू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो अब के पी वन हो जाएगा मेरा 3, के पी वन हो जाएगा 3, 1/K1 होता है हमारा के पी वन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हो जाएगा मेरा 1/0.217, तो जहाँ से के वैल्यू निकल के आएगी 1/0.217 जो कि आ जाएगा मेरा 4.61 अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखेंगे। अब पी पी वन की बात करें, जो हमारे लूज कंडीशन में बात करते हैं, तो हाफ और यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम, हाफ के पी और फिर हमारा गामा एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो के पी वन हमारा 3 है, गामा की बात करते तो अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखा था 2.7 × 9.81 और नीचे आ जाएगा 1.7 × 10 का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम बात करें पी पी टू की बात करेंगे, स्लाइड में लिखेंगे बात करें पी पी टू हो जाएगा मेरा हाफ, के पी की वैल्यू निकल के आई है मेरी 4.61 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो हमारा 2.7 × 9.81 गामा था वैल्यू अपॉन में 1.4 आ जाएगा, 2 में 100, 10 × 10 हमारा 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी कैल्सियम पुट करने पे, पी वन की वैल्यू आएगी हमारी, पी पी वन की अगर हम बात करें तो 2337.09 आपको किलो न्यूटन पर मीटर देखने को मिलेगा रनिंग मीटर में।
और जब इसकी बात करेंगे तो ये हमारा आएगा 43.9 और ये हो जाएगा हमारा बेसिकली ये भी किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ में देखने को मिलेगा। जब हम इसमें इस रेशियो लेंगे पी अपॉन पी पी टू वैल्यू को जब रेशियो लेंगे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 2337.09 और यहाँ जाएगा 43.09। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.5 के अप्रॉक्सीमेटली हमें देखने को मिलेगा, 0.53 के अप्रॉक्सीमेटली हमें इसका रेशियो देखने को मिलेगा। वहाँ पर हमें देखने को मिला रेशियो, उसका रेशियो हमें कितना देखने को मिला था, वो था हमारा रेशियो यहाँ पर हमने निकाला था 1.264 हमारा इसका रेशियो निकल गया था, और अभी जो हमने निकाला है उसका रेशियो निकल गया है 0.53 हमारा रेशियो निकल गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पैसिव प्रेशर है, जो पैसिव प्रेशर है बेसिक अगर इसकी बात करें तो ये किस कंडीशन में हमारा ज़्यादा है। बेसिकली अगर हम पैसिव प्रेशर की बात करें तो हमारा जो डेंस कंडीशन थी, डेंस कंडीशन में अगर बात करें, डेंस कंडीशन में पैसिव प्रेशर की ज़्यादा निकल के आई थी, और ये हमने यहाँ से ये जो है रेशियो निकाल लिया है। वेल अगर हम बात करें तो आज हमने अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आप और भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और किस सब्जेक्ट के ऊपर हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं, या कन्वेंशनल के क्वेश्चन लेके आएँ या फिर पुराने तरीके से एमसीक्यू को भी ले आएँ, तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।